दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस नोटिफिकेशन बेल को भी दबाना ना भूलें, जिससे कि आप हमारी आने वाली हर वीडियोस की नोटिफिकेशंस पा सकें। कहते हैं कि जिन लोगों का अंतिम संस्कार ठीक से नहीं किया जाता, उन लोगों की आत्माएं अपनी मुक्ति के लिए भटकती रहती हैं। इसके अलावा अपूर्ण इच्छाओं और वासनाओं के कारण भी ये आत्माएं भटकती रहती हैं। वो सुनसान जगहों को अपना ठिकाना बना लेती हैं और वो स्थान जहां आत्माएं अपना डेरा डालती हैं वे प्रेतवादित बन जाती हैं, जहाँ इंसान अजीबोगरीब घटनाओं का सामना करता है। ऐसे ही कुछ स्थान भारत के उत्तराखंड में मौजूद हैं, जहां इंसानों का जाना मतलब मौत को दावत देना है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको उत्तराखंड के कुछ ऐसे पैरानॉर्मल साइट्स से रूबरू करवाएंगे, जिनके बारे में जानकर आप सभी की सांसें थम जाएंगी। मसूरी के पास लांबी देहर माइंस राज्य के सबसे प्रेतवादित जगहों में गिनी जाती है, जहाँ रात तो क्या दिन में भी कोई आने की हिम्मत नहीं करता। यह रहस्यमय खदान एक साथ 50,000 मजदूरों की दर्दनाक मौत की गवाह है। 1990 के दशक में चूना पत्थर के कारण यहां काम कर रहे मजदूर फेफड़ों की बीमारी से ग्रसित हो गए थे, जिसके बाद उन्हें खून की उल्टियां हुई और उनकी मौत हो गई। आज यह जगह एक वीरान जंगल में तब्दील हो चुकी है, जहां हर रात चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई देना एक आम बात है। इस कारण यहाँ पर कोई नहीं आता। यहाँ से गुजरने वाली गाड़ियाँ अक्सर हादसों का शिकार हो जाती है। कहा जाता है कि इस इलाके से उड़ने वाला एक हेलीकॉप्टर भी एक रहस्यमय दुर्घटना का शिकार हो गया था। मलिंगर हवेली मसूरी की सबसे पुरानी इमारत है, जिसका निर्माण 1825 के दौरान कैप्टन यंग नाम के एक विदेशी ने करवाया था, जो अंग्रेजों के भारत छोड़े जाने तक यहाँ पर रहा था। लेकिन ये बात आज भी एक रहस्य बनी हुई है कि क्या कैप्टन यंग अंग्रेजों के साथ चला गया था या वो आज भी यहाँ है। स्थानीय निवासियों का मानना है कि कैप्टन यंग की आत्मा आज भी इस हवेली के आसपास भटकती है। कहा तो ये भी जाता है कि चांदनी रात को अक्सर यहाँ घोड़े पर सवार एक आदमी को इस हवेली की तरफ जाते हुए देखा जाता है। कहा जाता है कि जो शख्स ये नहीं मानता कि कैप्टन यंग भारत छोड़कर चला गया है, वो यहाँ पर हादसे का शिकार हो जाता है। घने जंगलों के बीच मसूरी के दक्षिण में स्थित परी टिब्बा परियों की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है, जिसका कई बार रस्किन बॉन्ड की किंवदंतियों में उल्लेख किया गया है। लेकिन बहुत कम ही लोग इस बात से परिचित हैं कि ये जगह रस्किन बॉन्ड के किस्सों के अलावा पैरानॉर्मल अनुभवों के लिए भी जानी जाती है। कहा जाता है कि ये जगह रहस्यमय प्रकाश के हमलों का शिकार है, जहां आधे जले पेड़ और काले पड़ चुके पत्तों को देखा जा सकता है। स्थानीय निवासियों के अनुसार यहां कोई प्रेमी जोड़ा रहस्यमय प्रकाश का शिकार हो गया था, जिनकी आत्मा आज भी यहाँ अपने प्रेम को पूरा करने के लिए भटक रही हैं। अजीबोगरीब हादसों के लिए कुख्यात ये जगह उत्तराखंड के चुनिंदा प्रेतवादित जगहों में गिनी जाती है। उत्तराखंड के चंपावत में स्थित लोहा घाट बंगला एपी बंगला के नाम से भी जाना जाता है, जिसे बाद में 1900 के दशक में एक अस्पताल में बदल दिया गया। कहा जाता है कि यहाँ पर मॉरिस नाम का एक डॉक्टर अपने मरीजों की मौत की भविष्यवाणी किया करता था। जब भी कोई नया मरीज उसके पास आता तो वह डॉक्टर उसकी मौत की तारीख बता दिया करता था। उसके बाद उस मरीज को अस्पताल के पास स्थित एक मुक्ति घर में भेज दिया जाता था, जहां पर अगली सुबह उस मरीज की मौत हो जाती थी। ये आज भी एक रहस्य है कि डॉक्टर मॉरिस मरीजों को मारता था या वह प्राकृतिक रूप से मर जाते थे, लेकिन इस बात को लेकर खासकर आसपास के लोगों में कोई भ्रम नहीं था कि यह पूरा क्षेत्र भूत प्रेत और मृत आत्माओं का गढ़ है। लोग बताते हैं कि यह बंगला पूरे क्षेत्र का पहला घर था, जो कि उस पहाड़ी पर प्रेतों का गढ़ माना गया, और वो भटकती हुई आत्माएं उन मरीजों की हैं जिनकी मौत की भविष्यवाणी डॉक्टर मॉरिस किया करते थे। दोस्तों,
आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, जहां पर आप मुझे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं। आप अपने विचार हमें कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हम जल्द ही आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।